नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। और मैं लेके हाजिर हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आज का हमारा जो टॉपिक्स होगा वह होगा फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही पौधे में उसके पराग कोष से निकले पराग कणों का उसी पौधे के एक अन्य पुष्प में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? एक ही पौधे में उसके पराग कोष से निकले पराग कणों का उसी पौधे के एक अन्य पुष्प में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? ए स्वयुग्मन, बी परनिषेचन, सी सजात पुष्पी परागण और डी केंद्रक संलयन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सजात पुष्पी परागण। नेक्स्ट सवाल देखे कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के पश्चात फल भित्ति बनाता है? कौन सा भाग निषेचन के पश्चात फल भित्ति बनाता है? ऑप्शंस है ए न्यूसेलस, बी बाह्य अध्यावरण, सी अंडाशय भित्ति, डी अंतः अध्यावरण। और इसका सही आंसर है अंडाशय भित्ति। तीसरा क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल प्राप्ति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल प्राप्ति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए पार्थेनोकार्पी, बी पार्थेनोजेनेसिस, सी बहुभुर्णीयता और डी पॉलीगेमी। और इसका सही आंसर है ए पार्थेनोकार्पी। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि वायु परागित फूल कैसे होते हैं? और ऑप्शंस हैं ए छोटे मकरंद पैदा करने वाले तथा सूखा पराग बनाने वाले, बी छोटे चटक रंगीले तथा बहुत अधिक संख्या में पराग कण बनाने वाले, सी छोटे बहुत अधिक संख्या में सूखे पराग कणों को बनाने वाले और डी बड़े और बहुत अधिक मात्रा में मकरंद एवं पराग बनाने वाले। और सही ऑप्शंस है सी छोटे बहुत संख्या में सूखे पराग कणों को बनाने वाले। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि साइट्रस के असंग जननिक भ्रूण किससे बनते हैं? साइट्रस के असंग जननिक भ्रूण किससे बनते हैं? और ऑप्शंस है ए द्विगुणित अंडों से, बी सहायक कोशिकाओं से, सी बीजाणु के भीतर सटक बीजाणुद्भिद ऊतक से और डी प्रतिव्यासत कोशिकाओं से। और इसका सही ऑप्शंस है ऑप्शन सी। पुष्पी पौधों में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? पुष्पी पौधों में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? ए विषम युग्म की, बी समयुग्म की, सी दोनों और डी दोनों नहीं। और इसका सही आंसर है ए विषम युग्म की। गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य होता है? हमारा सातवां सवाल है, गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य होता है? ए बीजान, बी भ्रूणकोश, सी फल और डी बीजान का। और इसका सही आंसर है ए बीजान। जनन का उत्पाद क्या बनता है? सामान्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनता है? और ऑप्शंस है ए बीज का लंबी जीवन क्षमता वाला होना, बी प्रवर्तित प्रसुप्ति, सी अनुवांशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं और डी विशाल जीव सहति। और इसका सही आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भ्रूणकोश में पराग नलिका भ्रूणकोश की किस ओर से प्रवेश करता है? भ्रूणकोश में किस ओर से प्रवेश करता है? और ऑप्शंस है ए एक कोशिका की ओर से, बी केंद्रीय कोशिका की ओर से, सी चिरस्थायी सहायक कोशिका की ओर से और डी अफाशी सहायक कोशिका की ओर से। और इसका सही आंसर है डी अफाशी सहायक कोशिका की ओर से। हमारा दसवां सवाल है कि भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष होता है ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित और डी बहुगुणित। आपके ऑप्शंस है ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित और डी बहुगुणित। और इसका सही जवाब है सी त्रिगुणित। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण आउटर इंटेगुमेंट निर्मित करता है? ए टेस्टा, बी टैगमैन, सी पेरिस्पर्म और डी पेरिकार्प। और इसका सही जवाब है ए टेस्टा।
त्रिशल्यन विशिष्ट लक्षण है, 12वां क्वेश्चन है, त्रिशल्यन विशिष्ट लक्षण है ए थैलोफाइटा का, बी ब्रायोफाइटा का, सी टेरिडोफाइटा का, डी जिम्नोस्पर्म का और ई एंजियोस्पर्म का। और इसका जो सही आंसर है वो है ई एंजियोस्पर्म का। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि पराग नलिका साधारणतः भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, ए सहायक कोशिका के द्वारा, बी प्रत्यक्ष अंड के भेदन के द्वारा, सी एक सहायक तथा केंद्रीय कोशिका के मध्य से और डी प्रतिमुख से। तो इसका आंसर होगा एक सहायक कोशिका के द्वारा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 14वां क्वेश्चन है, भ्रूणकोश पाया जाता है और हमारे ऑप्शंस हैं ए भ्रूणपोष में, बी भ्रूण में, सी बीजाणु में, डी बीज में। और इसका सही आंसर है सी बीजाणु में। हमारा 15वां क्वेश्चन है, द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसने की थी, द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसने की थी, ए नवास्चिन ने, बी लीवेनहॉक ने, सी स्ट्रासबर्गर ने या डी हॉफमिस्टर ने। और इसका सही आंसर है ए नवास्चिन ने। हमारा 16वां क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष होता है, जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष होता है ए डिप्लॉइड, बी टेट्राप्लॉइड, सी हैप्लॉइड और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है सी हैप्लॉइड। आपके लिए नेक्स्ट सवाल है कि मक्के के बीज में स्कूटेलम को बीजपत्र माना गया है, स्कूटेलम को बीजपत्र माना गया है क्यों, ए धूल की रक्षा करता है, बी भ्रूण के लिए भोजन रखता है, सी भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर भ्रूण में आपूर्ति करता है, डी स्वयं ही मोनोकॉट में परिवर्तित हो जाता है। और इसका सही जवाब है सी भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर भ्रूण में आपूर्ति करता है, सी भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर भ्रूण में आपूर्ति करता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 18वां नंबर का सवाल है कि जीनिया तथा मेटाजीनिया शब्द किससे संबंधित हैं, जीनिया तथा मेटाजीनिया शब्द किससे संबंधित हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ए पॉलन कल्चर, बी केवल एंडोस्पर्म से, सी जाइलम और फ्लोएम से और डी परागकण और एंडोस्पर्म से। और इसका सही आंसर है डी। 19 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है, अनिषेचित अंडे से बीज का विकास क्या कहलाता है, अनिषेचित अंडे से बीज का विकास क्या कहलाता है, ए विविपेरी, बी पार्थेनोकार्पी, सी एपोगेमी और डी एपोस्पोरी। और इसका सही जवाब है सी एपोगेमी, एपोगेमी। हमारा 20वां सवाल है कि द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप किसका उत्पादन होता है, ए हैप्लॉइड न्यूक्लियस, बी डिप्लॉइड न्यूक्लियस, सी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस या डी टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस। और इसका सही आंसर है सी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। हमारा अगला सवाल है, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोनल सस्पेंशन का कार्य होता है, ए पानी के लिए चैनल प्रदान करना या चैनल की तरह कार्य करना, बी एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो को धकेलना, सी वृद्धि हार्मोन को मुक्त करना, डी जनक स्पोरोफाइट से तरुण भ्रूण में पोषक पदार्थों को भेजना। और इसका सही आंसर है बी एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो को धकेलना। हमारा नया सवाल है कि निम्न में से किसमें डाइकोट होने के बावजूद कोटिलीडंस का अभाव होता है, निम्न में से किसमें डाइकोट होने के बावजूद कोटिलीडंस का अभाव होता है। और आपके ऑप्शंस है ए कैस्कुटा, बी पिस्टिया, सी डाइएंथस और डी रेनन्कुलस। और इसका सही जवाब है ए कैस्कुटा, अमरबेल। के लिए अगला सवाल है, निषेचन के पश्चात द्वितीयक नाभिक क्या बनाता है, निषेचन के पश्चात द्वितीयक नाभिक क्या बनाता है, सेकेंडरी न्यूक्लाई क्या बनाता है। और ऑप्शंस है ए भ्रूण, बी बीजपत्र, सी बीज या डी भ्रूणपोष। और इसका सही जवाब है डी भ्रूणपोष। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एनाट्रोपस बीजाणु में माइक्रोपाइल की दिशा क्या होती है, एनाट्रोपस बीजाणु में माइक्रोपाइल की दिशा क्या होती है,
हमारे ऑप्शंस हैं ए लेफ्ट, बी राइट, सी अपवर्ड, डी इन्वर्टेड। और इसका सही आंसर है डी इन्वर्टेड। हमारा 25वां सवाल है, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश की सहायक कोशिकाएं होती हैं। अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी बहुगुणित। और इसका सही जवाब है अगुणित।